लोकसभा चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां तेज हो चुका है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज राम जी। क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं, एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी के समर्थन में जो है क्षेत्र में निकले हुए हैं और लोगों को जो है जाके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी के बारे में जानिए और उनको जो है वोट देकर जो है दिल्ली भेजने का काम करिए। और तमाम जो लोग हैं अपना अपना जो है पार्टियां जो है राजनीतिक दल है वो अपने अपने समर्थन समर्थक देने के लिए जो है उनके प्रत्याशी है उनके पक्ष में जो है क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले मनोज जी स्वागत है आपका। अनिल भाई रहुरो के बहुत बहुत स्वागत बा, धन्यवाद बा कि रहुरो है गर्मी में। हमने के तो मान ली कि पार्टी के काम से घूमत नहीं सर, वो लोग प्रचार में लागल बनी लोग। रहुरो के बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद बा। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं आप मनोज जी, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का, फीडबैक मिल रहा है जनता का? देखिए अभी तक हम लोग 5 गांव घूम करके आए हुए हैं, अभी लगता है हम लोग रकौली गांव में जा रहे हैं। हम लोग पूरे जनता का स्नेह आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, एकदम भरपूर स्नेह प्यार मिल रहा है। भाजपा के जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग हैं कि का नाम है कि हम लोग यहाँ पे खेती किए थे, हमें हमारे पार्टी को टिकट नहीं मिला, यहाँ पे जदयू को मिला, तो क्या लग रहा है इस बार जो है भाजपा के जो समर्थक हैं उनको जो है खुल के जो है अपना मत देंगे? अरे भाई साहब आप देख ही रहे हैं, आप 29 तारीख को मीटिंग में देखे हैं कि कैसा जैन साहब लाभ उभरा हुआ था, तो कुर्सी भी खाली था, जैन साहब देगा तो कुर्सी भी खाली था, वीडियो है हमारे पास। नहीं आप गलत बोल रहे हैं। गलत क्या बोल रहे हैं? नहीं बोलिए तो वीडियो दिखा देंगे। नहीं हम लोग का वहाँ बुलाहट था, कम से कम 3,000-4,000 आदमी का टारगेट था, लेकिन वहाँ पे 6,000 करीब पहुंच गई थी। ऐसा नहीं है तो आप देखे नहीं कि कैसा जैन साहब उभरा हुआ है, हर जगह हर लोग लगे हुए हैं कि इस बार 40 के 40 सीट बिहार का जो है वो जीत करके 400 पार का सपना पूरा करें। सपना पूरा करने तेजस्वी यादव जो है 17 महीना बनाम 17 साल का नारा दे रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव न आज तक विकास किए हैं, न उनका पिताजी विकास किए हैं, तो वो कहाँ से विकास करेंगे, कौन सा विकास कर दिए? इतना नौकरी दिए जी, दिए लोगों को नियोजन? नहीं वो गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहा है, एकदम गलत बोल रहे हैं। वो नीतीश कुमार का दिया हुआ नौकरी है, नीतीश कुमार उससे पहले काहे नहीं दिए? विजन पहले से पेपर तैयार था, भाजपा के जो साथ में थे, और कहने का मतलब कि तेजस्वी यादव कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, वो झूठ मूठ का ढिढोरा पीट रहे, वो गलत पीट रहे हैं। अगले बार जैसे उनका जीरो पाउट हुए थे, इस बार भी देखिए, इस बार भी देखिएगा, आपको चैलेंज के साथ कर रहे हैं, इस बार भी जीरो पाउट हो जाएंगे, एक भी सीट उनको जीरो पाउट हो जाएंगे, एकदम जीरो, एक भी सीट उनको मिलने नहीं जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को जो लोग बोल रहे हैं कि जुमलेबाज हैं, 15 लाख रुपए का उठा रहे हैं कि आया कि नहीं आया, इससे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सरकार जो है जो वादा की है वो वादा पूरा कर दी है, जो बाकी है इस बार वो भी पूरा हो जाएगा। रोजगार रोजगार पे, ये रोजगार पे बिहार में कौन से कल कारखाने हैं, यहाँ पे ट्रेनों में भर भर के लोग जो है बाहर जा रहे हैं, आप ही का सरकार में ना। देखिए तो कभी ट्रेन में आप सफर किए हैं कि नहीं किए हैं? हम तो लगातार सफर करते रहते हैं। हम तो भाई आप तो आते होंगे, नेता जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, एसी फर्स्ट ईयर में जाते होंगे। देखिए कभी कभी जनरल में गए हैं आप? एक बात आपको बता देते हैं, बोलिए। हम एक साधारण परिवार से हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, हम कोई बड़े घर के नहीं हैं। बड़े घर के नहीं है तो 40 लाख का गाड़ी लिए हुए हैं, तो ठीक है, हमने मेहनत करके कमाया है तो लिया है, ऐसा थोड़ी है कि हम किसी के गला दब के लिए चोरी किए हैं। हमारा मेहनत है, हमारा काम है, इसकी काम से हमने लिए हैं। और जो आपको हम बता दे रहे हैं कि देश में जब से देश आजाद हुआ आज तक ले ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला है देश को कि जो काम कर सके। आज हमारा देखिए प्रधानमंत्री जी का विदेशों में जा रहे हैं, उनकी कैसी सम्मान हो रही है, अगर उनका सम्मान कोई पैर छुए करता है तो पूरे हिंदुस्तान के 40 करोड़ों जनता का सम्मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है। लेकिन देश में हम सिवान में हम जा, देखिए ना पहले सिवान में विकास देखिए क्या अभी शिशुन ढाला जो है वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। देखिए सिवान का विकास, हम दिल्ली से बाद में जाएंगे, शिशुन ढाला इस बार हर हाल में
ओपन करके रहेगा। जो मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे तीन तीन शुगर मिल था, कौन बंद करवाया? कौन बंद करवाया आप बताइए, कौन बंद करवाया? राजद के शासन काल में सब बंद हुआ कि भाजपा के शासन काल, राजद के शासन काल में सब बंद हुआ है? तो लोग नहीं जान रहा है कि जो जो चीज यहाँ पे पहले से फैक्ट्रिया लगी थी वो भी फैक्ट्रिया राजद ने बंद करवा दिया। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस के बारे में क्या कहना, कांग्रेस का देन है कि सब कुछ अभी है, आपको दिखाई देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि पूरे हिंदुस्तान को जो आज नरक में ढकेला हुआ है, जो नरक से निकल नहीं पा रहा है, ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस तो हिंदू का अस्तित्व ही खत्म करने पर लगी थी। अच्छा, लेकिन वह तो अच्छा हुआ कि देश में हिंदू मुस्लिम ए हमेशा चलते रहेगा। उसके बाद रोजगार पे या विकास पे बात नहीं, हिंदू मुस्लिम धारा 370 और NRCC और राम मंदिर यही सब चलेगा। देखिए राम मंदिर रोजगार का बात काहे नहीं करते हैं? हमारे युवा जो है कितने बेरोजगार है आज के डेट में। कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं है, रोजगार सबको मिल रहा है। देखिए जनसंख्या इतनी बड़ी है अपने देश की आबादी की, उसके कारण लोगों का तकलीफ उठाना पड़ रहा है। जनसंख्या पर जब तक नियंत्रण नहीं हुआ तब तक हर हाथों काम नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं है कि सिवान काम मिल रहा है, मजदूर आज नहीं मिल रहे। आप कैसे बोल रहे काम नहीं है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। और हमारी सरकार लगातार सबको रोजगार दे रही है, सबको नौकरियां दे रही है, धीरे धीरे सब चीज समान हो जाएगा एकदम। अच्छा सिवान का जो NDA प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी देवी, उनको जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया से दूर रखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो उनका कई, हमने भी कई चैनलों पर देखा कि उनका बयान चल रहा है और वह व्यक्ति अच्छी व्यक्ति है। इस बार वो यहाँ से सिवान से जीत करके भी जा रही है, इसमें कोई सिवान से एक तरफ हिना साहब है, माननीय अवध बिहारी चौधरी जो सिवान सदर के वर्तमान विधायक हैं, RJD का कभी गढ़ हुआ करता था। देखिए कहने का मतलब, चार बार साबुद्दीन साहब यहाँ से सांसद रहे, आप कैसे बोल रहे हैं कि जीत के चले जाएंगे? इतना आसान ही नहीं है। उस टाइम क्या होता था कि बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, वो लोग बूथ छाप लेते थे। अच्छा, वोटर तो वहाँ पहुंचते नहीं थे वोट देने के लिए, उस टाइम बूथ छापा जाता था। अब क्या होता है, EVM हैक हो जाता है? नहीं, अब क्या है कि EVM से चुनाव हो रहा है, कोई बूथ छाप नहीं रहा है, सच्चाई पे वोट हो रहा है। तो जब अब देख रहे हैं कि दो दो बार यहाँ से ओम प्रकाश जीते, हमारी कविता सिंह जीती, इस बार चौथी बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीतेगी, इसमें कहाँ दो रही कि नहीं जीतने वाली है, अस्वस्थ है एकदम, बिल्कुल अस्वस्थ है। हम लोग इस बार 3 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। 3 लाख वोट से? 3 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी से नहीं है, किसी से नहीं, लड़ाई हमारे यहाँ किसी से नहीं है। बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि हिमालय के हूँ हैं, किंग घोटाई। देखिए हम आपको बात ये भी बता देते हैं कि हम बार बार किसी वीडियो में आपको बोल रहे हैं कि उनको 24 साल हो गया माले छोड़े हुए, कोई 24 साल कम नहीं होता है। 24 साल का जो लड़का हुआ होगा ना, वो दूसरी बार वोट मार, दूसरी बार बोलता हूँ, कम से कम वो 5 बार वोट मार चुका होगा। 18 साल के बाद सब लोग वोट मार सकते है ना, तो आप जोड़ लिया 4 बार तो हो जाए ना, 6 बार हो जाएगा, 4 बार 6 बार हो जाएगा। तो वो चीज नहीं है, वो थे कभी थे, अब भाजपा में आ गए तो सब साफ सुथरा हो गया। 24 साल कोई समय का कीमत आप जोड़िए तो कोई था थे उसका मतलब नहीं है। अभी वो भाजपा में है, जीवन यादव है, अवध बिहारी चौधरी है। देखिए यहाँ लड़ाई किसी से नहीं है, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जीत एक ही आदमी का होगा, वो भी उस व्यक्ति का नाम है विजय लक्ष्मी कुशवाहा। जीत उसी का, उन्हीं का होगा, उन्हीं का होगा। अच्छा आज उनका नामांकन भी आने वाला तय 4 तारीख को शायद होने वाला है। हाँ, 4 को हम लोग का नामांकन है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं? नामांकन को लेकर हमारे यही कहना है कि एक एक व्यक्ति अपने गांव से, घर से, मोहल्ले से निकले और गांधी मैदान में पहुंचे और उनको वही आशीर्वाद दे दे कि विजय तो विजय, विजय लक्ष्मी तो विजय हो ही गई है, लेकिन उस दिन आशीर्वाद देने का भी एक मौका है। पहले ही लोग आशीर्वाद दे दे वहां पे पहुंच के, नामांकन मनोज राम जो है पूरा ताकत झोंक देंगे उनको जिताने के लिए। मनोज राम
एक साधारण कार्यकर्ता है पार्टी के, और पार्टी का जो भी कार्य मिलता है, कार्यक्रम मिलता है, उसको निष्ठा पूर्वक निर्वहन करते हैं जी। कि ये माना जाए कि मनोज राम 2025 में विधानसभा का चुनाव दरौली से लड़ेंगे, उसके लिए मनोज राम इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए, चुनाव तो लड़ना है, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ, चुनाव लड़ना है, लेकिन जनता चाहेगी तब ना चुनाव लड़ेंगे हम। उस टाइम आएगा, समय आएगा, जनता से अपने मांग पहुंचेंगे जनता के पास, जनता बोलेगी कि आप चुनाव मैदान में आइए, तो निश्चित तौर पर चुनाव मैदान में जाएंगे। क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार जीत के जो है भाजपा में रहेंगे? कहने का मतलब कि आदमी कब मर जाए ऐसा कोई गारंटी है नहीं, है ना? तो ऐसा ही किसी का गारंटी तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार वो खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, हर बार बोलते हैं लेकिन इस बार उन्हें मिल जाएंगे मगर भाजपा में नहीं जाएंगे। वो वादा किए हैं कि हम जीत करके भाजपा में ही रहेंगे, मतलब वादा किए हैं, वादा तो टूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश जी साथ में है, साथ में रहेंगे जी, बिल्कुल साथ में है, साथ में रहेंगे, एकदम रहेंगे। चलिए, तो ये थे मनोज राम जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी देवी जो है 3 लाख वोटों से जो है चुनाव जीतेगी, और उनकी लड़ाई जो है किसी से नहीं है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि सिवान की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, मैं अनिल सिवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।